गुजरात के बहुचर्चित बिल्किस बानो केस के दोषियों को छोड़ने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि गुजरात सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दोषियों को छोड़ा था, जबकि गुजरात सरकार को बिल्किस बानो केस में दोषियों को छोड़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि मुकदमे का ट्रायल जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था। गुजरात की बीजेपी सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करके दोषियों को छोड़ने का काम किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया है। और कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जब घटना घटित हुई थी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और पिछले दिनों जब जो दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ा था तब वह देश के प्रधानमंत्री थे, उनको गुजरात सरकार के फैसले पर सोचना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय को स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, ये गुजरात की भाजपा सरकार के गाल पर जबरदस्त तमाचा है, जिसने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर महाराष्ट्र में जिस केस का ट्रायल हुआ था उसको यहाँ से छोड़ दिया गुजरात से, जबकि उनका ये अधिकार क्षेत्र नहीं था। जहाँ ट्रायल होता है वहीं की सरकार विचार कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया है कि ये निर्णय गलत था। मैं इस ऐतिहासिक फैसले का हृदय से स्वागत करता हूँ। याद आता है जब बिल्किस बानो के साथ बर्बरता, नृशंसता, सामूहिक बलात्कार हुई थी, वो संपूर्ण विश्व की नारी जात के साथ अपमान था उसका, भारत माता कराह उठी थी। पर मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं हुई। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन दोषियों को जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था छोड़ दिया था। नैतिक जिम्मेदारी